हाय गाइस, वेलकम टू मोटरविंग। मोटरविंग पर आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। भैया, रिसेंटली बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है टाटा पंच के अंदर। अब टाटा पंच जन तो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि टाटा मोटर्स की तरफ आएंगे तो आपको यहां पे सबसे ज्यादा बिकने वाला गाड़ी है टाटा पंच और टाटा निक्सॉन ही आपको दिखने वाला है। तो ये दोनों गाड़ी के अंदर में से टाटा पंच के अंदर ह्यूज अपडेट आ चुका है, क्योंकि गाड़ी के अंदर काफी सारे वेरिएंट ऐड हुए। लकीली हमें दो वेरिएंट मिल चुका है, दोनों ही नया इंट्रोड्यूस वेरिएंट है। हमारे राइट साइड पे ये जो गाड़ी आप देख रहे हो, इस गाड़ी का नाम है क्रिएटिव प्लस वेरिएंट। ये वेरिएंट जनरली नया एडिशन वेरिएंट है, इसके अंदर काफी सारी चीज बदल चुका है, काफी सारे यूजफुल फीचर एड ऑन हो चुका है। और लेफ्ट साइड पे रेड कलर के साथ जो गाड़ी दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा आई कैची लग रहा है। इस गाड़ी का नाम है अकॉम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट। ये भी एक नया इंट्रोड्यूस वेरिएंट है और इस गाड़ी के अंदर भी काफी सारा चेंजेस आ चुका है। तो दोनों वेरिएंट के अंदर नए चीज आ चुका है, दोनों वेरिएंट के अंदर काफी सारे बदलाव है और दोनों वेरिएंट को एक साथ फ्रेम पे बुलाने के पीछे एक ही रीजन है। आपको बताया जाए दोनों में से कौन सा वाला वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। और चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोनों की शुरुआत हम गाड़ी के फ्रंट लुक से करते हैं, कहां कहां पे डिफरेंस है वो दिखा देते। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप दोनों गाड़ी को देखेंगे साइड बाय साइड, तो यहाँ पे चेंजेस आपको क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर ड्यूल टोन कलर आते हैं, ऊपर की तरफ रूफ कंप्लीट ब्लैक आने वाला है। लेकिन इस गाड़ी को देखेंगे अकॉम्प्लिश प्लस हो या फिर अकॉम्प्लिश रिदम हो, किसी भी वेरिएंट पे आपको यहाँ पे कोई भी ड्यूल टोन कलर का यूज नहीं है, ये सिंगल टोन में आने वाला है। अब दोनों का प्राइस बताया जाए तो इसका प्राइस आएगा आपको 8,30,000 एक शोरूम, इसका प्राइस आएगा तो मोटा मोटा मान के चलिए 9 लाख रुपीज एक शोरूम। तो यहाँ पे 70,000 के अंदर डिफरेंस है। ये 70,000 कहाँ पे यूज है पता है? अगर आप इसका व्हील करेंगे, इसके अंदर आपको एक साइज छोटा व्हील आने वाला है, यहाँ पे आपको 15 इंच का व्हील और यहाँ पे टायर प्रोफाइल भी काफी पतली आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हाइपर स्टाइल व्हील ऑफर किया जाता है, यहाँ पे व्हील कैप आप बोलेंगे सीधा सीधा बताया जाए तो। लेकिन इस गाड़ी को देखेंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीट अलॉयज आने वाला है, बहुत ही फैंटास्टिक दिखाई देता है। यहाँ पे ड्यूल टोन कलर के साथ अलॉय है, सामने डिस्क मिलेगा, यहाँ पे 16 इंच का टायर एपोलो के टायर के साथ आने वाला है। 195 इसका सेक्शन है, उसका सेक्शन आपको 185 है। दैट मींस टायर प्रोफाइल के अंदर दोनों गाड़ी के अंदर चेंजेस है, दोनों के व्हील के अंदर काफी सारा चेंजेस है। दैट्स व्हाई आपको इस गाड़ी के अंदर 70,000 में से ज्यादा पैसा तो यहीं अकेला लेके चला गया। और ड्यूल टोन कलर के लिए आपको जनरली 15,000 एडिशनल देना पड़ता है, लेकिन 15,000 आपको एडिशनल देना नहीं है। क्रिएटिव के किसी भी वेरिएंट चूज करेंगे तो आपको ये ड्यूल टोन कलर ही मिलने वाला है। सामने से बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। सिमिलैरिटीज अगर आप देखेंगे तो यहां पे नोटिस करेंगे, यहां पे रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, दोनों के सेंसर यहां पे बेस्ड है बेसिकली। इस गाड़ी को देखेंगे अकॉम्प्लिश्ड प्लस, यहां पे भी आपको सिमिलर चीज, यहां पे भी रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन भी यहीं से करने वाला है। दैट मींस दोनों गाड़ी के अंदर ऑटो हेडलैम्प, दोनों के अंदर रेन सेंसिंग वाइपर। यहां पे नोटिस करेंगे इसके अंदर प्रोजेक्टर आ चुका है अकॉम्प्लिश्ड प्लस से। जनरली आपको यहां पे प्रोजेक्टर देना चालू कर रहे हैं कंपनी। इस वेरिएंट के साथ देखेंगे यहां पे भी आपको प्रोजेक्टर आने वाला है, ऑटो हेडलैम्प दोनों के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। सामने नोटिस करेंगे इसके अंदर कोई कैमरा नहीं है। इस गाड़ी को देखेंगे यहां पे भी सामने कोई कैमरा विजिबल नहीं होने वाला है, दोनों के अंदर ही फॉग लैम्प आपको कंपनी इंस्टॉल्ड देखने को मिल रहा है। दैट मींस सिमिलर चीज दोनों ही है, बस यहाँ पे व्हील के अंदर चेंजेस है, बस यहाँ पे ड्यूल टोन कलर है, उसके अंदर ड्यूल टोन नहीं है। और एक एडिशनल चीज है, अगर आप मेरे साथ क्लोज आएंगे यहाँ पे आपको रूफ रेल्स दिखाई देगा। फिलहाल गाड़ी का रूफ ब्लैक है तो ये भी आपको ब्लैक में देखने को मिलेगा, अलग से आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, इसके अंदर कोई रूफ रेल्स नहीं आता, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको क्लियरली रूफ रेल्स विजिबल होने वाला है। तो ये है दोनों गाड़ी के सामने से फ्रंट से डिफरेंस, और जो डिफरेंस आपको विजिबल लगा वो इंटीरियर पे देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम लेके चलेंगे इसके रियर प्रोफाइल पे, वहां पे क्या डिफरेंस है या फिर नहीं है, चलिए दिखा देते हैं। दोनों की रियर प्रोफाइल देखेंगे, यहां पे भी आपको ट्रायर और एलईडी लाइट का यूज की गई है। इसके अंदर नोटिस करेंगे यहां पे भी सिमिलर चीज, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। नीचे नोटिस करेंगे तो यहां पे आपको पार्किंग सेंसर दो ही देखने को मिलेगा, गाड़ी छोटा है, दो सेंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे नोटिस करेंगे आपको रियर पार्किंग कैमरा क्लियरली विजिबल होने वाला है, टाटा की नया लोगो भी आपको देखने को मिलेगा, पंच यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे वॉशर वाइपर, यहां पे डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना ब्लैक कलर के साथ अलग से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि रूफ का कलर भी बॉडी कलर आते। लेकिन इसके साथ ऊपर देखेंगे यहां पे शार्क फिन एंटीना ब्लैक कलर, अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पे आपको सिमिलर चीज, वॉशर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप सब कुछ मिल जाते हैं। रियर पार्किंग कैमरा भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा, और कुछ नहीं है। यहां पे आपको सिमिलर सेंसर आएगा, लेकिन आप बूट स्पेस चेक करेंगे, इसके अंदर जो बूट स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है, ये बूट स्पेस आपको 366 लीटर एज पर कंपनी क्लेम डिसेंट बोलेंगे, लेकिन यहां पे कोई भी 60-40 स्प्लिटेबल सीट्स नहीं आता है, इनफैक्ट टॉप वेरिएंट के साथ भी नहीं आएगा। हां, यहां पे आपको पार्शियल ट्रे ऑफर किया जाएगा, यहां पे नोटिस करेंगे लगेज लैंप, हां यहां पे एक लगेज लैंप आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर बूट स्पेस के साथ-साथ अगर आप नोटिस करेंगे स्पेयर टायर, तो यहां पे एक से छोटा स्पेयर टायर आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये था रियर प्रोफाइल, कोई चेंजेस है या फिर नहीं है। अगर आप मेरे साथ यहां पे आएंगे तो आपको डिफरेंस शायद समझ में आ जाए। यहां पे भी आपको सिमिलर पार्शियल ट्रे आते, यहां पे भी 60-40 स्प्लिट सीट नहीं आते, यहां पे आपको लगेज लैंप, हां यहां पे भी लगेज लैंप मिलेगा। इसके अंदर स्पेयर टायर देखेंगे, यहां पे भी सिमिलर एक से छोटा स्पेयर टायर आने वाला है, लेकिन डिफरेंस जहां पे मिलेगा यहां पे फिक्स्ड हेडरेस्ट आने वाला है, यहां पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आता है। उस गाड़ी के साथ फिक्स्ड हेडरेस्ट नहीं था, एडजस्टमेंट ऑप्शन के साथ था। यहां पे ग्रैब हैंडल आते, काफी बढ़िया चीज है, दोनों गाड़ी के अंदर सिमिलर
यहाँ पे पता चलेगा। अब चलिए दोनों गाड़ी के इंटीरियर पे लेके चलते, क्योंकि वहां पे ह्यूज चेंजेस है। चलिए अब देखिए, इंटीरियर की शुरुआत हम टॉप वेरिएंट ये क्रिएटिव प्लस से कर देते हैं। हाँ, हमारे पास क्रिएटिव प्लस एस नहीं है, एस होगा तो एक सनरूफ होगा, वो चीज दोनों गाड़ी के किसी गाड़ी के अंदर कोई भी सनरूफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे दोनों गाड़ी के अंदर ही सनरूफ मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिव प्लस वहाँ पे अकॉम्प्लिश्ड प्लस है, दोनों के अंदर कोई एस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पैसिव एंट्री के बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स बॉडी कलर आ जाते हैं, ये और भी हम नोटिस करेंगे। यहाँ पे आपको ब्लैक टॉप फिनिशिंग के साथ टर्न इंडिकेटर इसके अंदर माउंटेड है, लेकिन अच्छी डील। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, मेरे साथ इधर आ जाइए, मैं यहाँ से दिखाऊंगा, डोर हैंडल 90 डिग्री ओपन होता है, काफी ह्यूज ओपनिंग एंगल है, भाई चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी छोटा है तो क्या हुआ है, यहाँ पे काफी वाइड स्पेस आपको मिलने वाला है डेफिनेटली। और अब अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे, टॉप वेरिएंट के साथ हाइट एडजस्टमेंट लीवर ऑफर किया जा रहा है, सीट कंप्लीट फैब्रिक आएगा, कोई लेदर का यूज नहीं है। लेकिन अच्छी बात, यहाँ पे देखेंगे इंफोटेनमेंट कंप्लीट नया आ चुका है, लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको गाड़ी के साथ देखने को मिलेगा। मैं फिलहाल गाड़ी में बैठ जाता हूँ, देन आपको बताऊंगा इसके अंदर चेंजेस। मेरा हाइट के अकॉर्डिंग मुझे चढ़ने उतरने में यहाँ पे नी रूम लेकर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन पीछे पैसेंजर नहीं है तो सीट को पीछे करके आप रिलैक्स पोजीशन में डेफिनेटली बैठ पाएंगे। लेकिन यहां पे नोटिस करेंगे चाबी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज चाबी आएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहां पे मिल जाएगा, इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको यहां पे इंफोटेनमेंट ऑन होने वाला। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा मैंने आपको बताया 10.25 इंच का आएगा, ह्यूज है। टाटा नेक्सॉन के अंदर आपने जैसा देखा था वैसे ही कुछ सीन आपको यहां पे देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया सिस्टम है, इसके अंदर लैगिंग मुझे फील नहीं हुआ है, काफी बढ़िया सेटअप आपको यहां पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही वेलनेस कंडीशन में सपोर्ट भी करने वाला है, काफी बढ़िया चीज आपको डेफिनेटली मिलेगा। और इसके अंदर और कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑल सेटअप आप यहाँ से कंट्रोल डेफिनेटली कर पाएंगे। यहाँ पे एसी वेंट्स की डिजाइनिंग सिमिलर आएगा, यहाँ पे हैजार्ड की डेडिकेटेड बटन बीच में आएगा, थैंक गॉड कि यहाँ से ये हैजार्ड की बटन नहीं हटाया गया है। टाटा के लेटेस्ट गाड़ी के अंदर हर एक जगह से यहाँ पे हैजार्ड की बटन टच में आ रहा है, ये चीज मुझे थोड़ा सा पर्सनली पसंद नहीं है, जो इस गाड़ी के अंदर आपको डेफिनेटली मिलता है, जो काफी बढ़िया चीज है। और यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड की लेआउट सिमिलर आएगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर टेक्सचर में थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहा है, जो काफी अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे ग्लोव बॉक्स के अंदर आपको लाइट मिलेगा, इसके अंदर आपको कूलिंग सिस्टम भी मिल जाते हैं, काफी बढ़िया है। टॉप वेरिएंट के साथ ये हर एक डिटेल्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर एमआईडी जो आते हैं, ये एमआईडी आपको सेमी डिजिटल आएगा, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग आपको क्लियरली विजिबल होने वाला है। यहाँ पे 5-speed का गियरबॉक्स आएगा, ये लेदर रैपिंग के साथ आएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटलेट्स, यहाँ पे टाइप ए टाइप सी दोनों ही आ जाते हैं, 45 वॉट के आउटलेट्स आपको मिलेगा, वेलनेस चार्जिंग भी आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आर्मरेस्ट भी आ चुका है, इसके नीचे स्पेस भी आ चुका है, यहाँ पे कप होल्डर भी आ चुका है, हैंडब्रेक भी काफी बढ़िया आ चुका है। ऊपर की तरफ यहाँ पे ये जो लाइट यूज की गई है ये हैलोजन बल्ब के साथ आएगा, ये आईआरबीएम आपको मैनुअली रेगुलेट करना होगा। यहाँ पे ट्विटर भी आ जाते हैं, स्पीकर भी आ जाते हैं। डोर के अंदर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज की कंट्रोल और ओआरबीएम आप फोल्ड भी कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर पाएंगे, जो एक बढ़िया चीज आपको मिलेगा। यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप की बटन भी मिल जाएगा, दैट मींस गाड़ी के अंदर काफी सारे चीज आ रहे हैं, ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर, ये सारी चीज तो आ रहे हैं। यहाँ पे एडिशनल चीज आपको दिखाई, इस गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट बदल चुका है, जो काफी बढ़िया चीज है। आपको टाइप सी टाइप ए दोनों ही ऑफर कर रहे हैं, चारों पावर विंडोज की कंट्रोल, ओआरबीएम रेगुलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है। आप याद रखिएगा, आपको दिखाऊंगा इसके नीचे के वेरिएंट वहां पे कहां कहां पे डिफरेंस है। अभी आपको जो डिफरेंस दिखाऊंगा वो डिफरेंस आपको रियर पे पता चलेगा, यहाँ पे आएंगे काफी शॉकिंगली, पीछे आपको कोई भी एसी वेंट्स नहीं था, अभी आपको यहाँ पे क्लियरली एसी वेंट्स विजिबल होने वाला है, आपको रेगुलेशन भी ऑफर किया जा रहा है, टाइप ही आपको ऑफर किया जा रहा है आउटलेट्स, वो भी काफी बढ़िया डील है। अब यहाँ पे बैठ कर आपको दिखाऊंगा कितना कंफर्ट आते, मेरा हाइट के अकॉर्डिंग मुझे थाई सपोर्ट लेकर दिक्कत नहीं है, और बेहतर होता तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी गाड़ी जिस लेंथ में आ रहा है, जिस प्राइस में आ रहा है, उस हिसाब से देखेंगे डिसेंट ही बोलेंगे, आपको कंप्लेन करने की कोई जगह है नहीं। ऊपर हेडरूम डिसेंट है, क्योंकि ये माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आने वाला है। यहाँ पे एसी वेंट्स आपको दिखा दिया, काफी बढ़िया, जो बहुत ही नीडेड था वो चीज आपको टॉप वेरिएंट के साथ मिल रहा है। नीचे के वेरिएंट पे भी आपको मिलेगा, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट भी ऑफर किया जा रहा है दोनों पैसेंजर के लिए, बीच वाला पर्सन के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। यहाँ पे अच्छी डील आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे आमरेस तो हरा, लेकिन कप होल्डर अभी भी इसके अंदर मिसिंग है। एक कप होल्डर दे देता तो कंपनी का कितना खर्चा आता, उतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी कंपनी नहीं दे रहे, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रहे। अब चलिए आपको उस गाड़ी को दिखाएंगे, वहां पे काफी सारे चेंजेस है। इसके नीचे की वेरिएंट जो अकॉम्प्लिश्ड प्लस है, उसके साथ भी सनरूफ नहीं है, इसके साथ भी सनरूफ नहीं है, तो आपको समझने में आसान होने वाला है, काफी इजी होने वाला है। इस गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कटिंग है 70,000 का, एक तो मैंने यहाँ पे दिखाया, दूसरा भी मैंने दिखा दिया था, ये डुअल्टन नहीं है, लेकिन तीसरा चौथा चेंज कहाँ पे, आइए मैं दिखाता हूँ। अभी आपको हम ये अकॉम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट जो आया है, इसके अंदर कैसा इंटीरियर ऑफर किया जा रहा है वो दिखा देते हैं। सीट आगे था, अब देखिए गाड़ी के अंदर इंटीरियर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये जो एक्सटेंडेड एरिया है ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा है। हाँ, यहाँ पे नोटिस करेंगे कोई भी आपको यहाँ पे लेदर रैपिंग नहीं आ रहा है, जो आपने क्रिएटिव प्लस के साथ देखा था, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो रखे, लेकिन क्रूज कंट्रोल इसके अंदर भी मिलेगा, यहाँ पे इंफोटेनमेंट
कंट्रोल्स, यहाँ पे नोटिस करेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आते हैं। जैसे गाड़ी की इग्निशन को ऑन करे तो इंफोटेनमेंट देख लीजिए, काफी बढ़िया आपको इंफोटेनमेंट मिलेगा, अपडेटेड है। यही चीज के लिए टाटा पंच अभी और भी ज्यादा सेल होने वाला है। यहाँ पे नोटिस करेंगे टच रिस्पॉन्स सिमिलर आते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा दिक्कत वाली चीज है, इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नहीं आते, वाइड कंडीशन में सपोर्ट करेगा, लेकिन टॉप वेरिएंट के साथ वायरलेस आ जाते। अब यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर भी ऑटो हेडलैम्प, इसके अंदर भी ऑटो वाइपर, ये सारे चीज तो आ रहे हैं। एमआईडी नोटिस करेंगे सिमिलर, सेमी डिजिटल एमआईडी आएगा। यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी आ रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटलेट, 45 वाट के आपको यहाँ पे टाइप सी टाइप ए। यहाँ पे सेंटर कंसोल के ओवरऑल लेआउट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग का पैड नहीं है। यहाँ पे नोटिस करेंगे ग्लोव बॉक्स के अंदर आपको एक लाइट डेफिनेटली मिलेगा। ओवरऑल इस गाड़ी का एक्सपीरियंस भी आपको काफी बढ़िया होने वाला है, बस छोटा सा कॉस्ट कटिंग, यहाँ पे लेदर रैपिंग हो जाता तो और मजा आ जाता, जैसा अपने क्रिएटिव प्लस के साथ देखा था, वो चीज बस मिसिंग है। गियर स्टिक आपको सिमिलर आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे कोई मोड का बटन नहीं आता है, हैंड ब्रेक, यहाँ पे आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जा रहा है, जो काफी बढ़िया चीज है। नीचे स्पेस भी डिसेंट है, गाड़ी छोटा है तो आप इतना से संतुष्ट आपको रहना पड़ेगा। अब पीछे दिखाऊंगा ना, वहां पे चेंजेस आपको विजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड डिस्ट आने वाला है, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग तगड़ा वाला हो रखा है। चलिए दिखाते हैं पीछे, अगर आप नोटिस करेंगे जैसे मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग आपको तगड़ा वाला ही देखने को मिलेगा। लेकिन पहले अच्छा चीजों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोटिस करेंगे इसके अंदर भी एसी वेंट्स, वही आपको रेगुलेशन सिस्टम के साथ, यहाँ पे आपको एक आउटलेट भी ऑफर किया जा रहा है, टाइप ए काफी बढ़िया चीज है। लेकिन डिसअपॉइंटिंग चीज यहाँ पे लगने वाला, क्योंकि इसके अंदर हेडरेस्ट फिक्स्ड आएगा, कोई भी आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट डेडिकेटेड नहीं आएगा, ये दो जगह पे आपको यहाँ पे तगड़ा वाला कॉस्ट कटिंग हो रखे। बस यही था, अभी चलिए कंक्लूशन दिखा देते। अब देखिए, अगर वीडियो को कंक्लूड किया जाए तो पहली बात, दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन सा है? ये 8,30,000 में आता है, ये 9,00,000 एक शोरूम में आता है। अब दोनों गाड़ी में 70,000 का प्राइस डिफरेंस है, 70,000 एडिशनल पे करने पे आपको यहाँ पे जो जो चीज मिल रहा है, आपको यहाँ पे 16 इंच का अलॉय व्हील ऑफर किया जा रहा है, आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल भी बढ़िया आएगा, यहाँ पे छोटा टायर प्रोफाइल आता है, यहाँ पे 15 इंच का टायर आने वाला है, यहाँ पे अलॉयज नहीं आते, यहाँ पे आपको फ्लेक्स व्हील का ऑफर किया जाता है। ये चीज बहुत ही बढ़िया चीज है, जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग काफी अच्छा हो रखे, और ऊपर ये ड्यूल टोन कलर में आते हैं, लेकिन ये गाड़ी आपको सिंगल टोन में ऑफर किया जाता है। अब ड्यूल टोन के लिए आप जानते हो किसी दूसरे ब्रांड के पास चले जाएंगे तो 15,000 से लेकर 35,000 तक आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है ड्यूल टोन के लिए, जो चीज आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेगा ही मिलेगा। ये है एडवांटेज इस गाड़ी का। इसके साथ साथ इसके इंटीरियर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील लेदर अप आएगा, यहाँ पे लेदर अप नहीं आते। दोनों गाड़ी के अंदर रियर एसी वेंट्स आएगा, जो काफी बढ़िया चीज है। दोनों के अंदर आपको इंफोटेनमेंट 10.25 इंच का आएगा, बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर वेट कंडीशन में, इसके अंदर वेलेस कंडीशन में आ जाते। अब यही सारा चीज है, और इसके साथ आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स भी आएगा, यहाँ पे रियर एसी वेंट्स दोनों के अंदर ही आते, लेकिन इसके अंदर फिक्स एड्रेस आएगा, यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको फिक्स एड्रेस नहीं आएगा, एडजस्टेबल एड्रेस्ट आएगा, आर्मरेस्ट भी आपको डेडिकेटेडली देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी डील बनेगा। इसके अंदर आपको वेलेस चार्जिंग भी आएगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी वेलेस चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा, अगर 70,000 एडिशनल पे करना है तो इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो, 70,000 में काफी बढ़िया डील आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बजट टाइट है तो आप विदाउट एनी शक इस गाड़ी को चूज कर लीजिए, ये अकॉम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट है। इसके साथ सनरूफ का ऑप्शन भी आते हैं, इसके साथ सनरूफ का ऑप्शन भी आते हैं, दोनों के साथ आपको सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन सनरूफ के लिए आपको लगभग 50,000 और एडिशनल पे करना होगा। गाड़ी काफी छोटा लेंथ में आता है, मुझे नहीं लगता इस गाड़ी के साथ आपको किसी भी सनरूफ की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सनरूफ लेंगे तो अननेसेसरी आपको पैसा स्पेंड होगा, उसका कोई यूज इंडिया के अंदर है नहीं। फिलहाल ये था दोनों गाड़ी का वीडियो, इंजन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, अपडेट दोनों के अंदर ही आया है, दोनों गाड़ी के अंदर ही कॉस्मेटिक चेंजेस ही आए, कोई भी मैकेनिकल चेंजेस दोनों के किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं आए। इसके अंदर भी आपको सिमिलर इंजन 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, इसके अंदर भी सिमिलर आएगा, यहां पे भी आपको 83 bhp का पावर, 140 न्यूटन मीटर की टॉर्क, इसके अंदर भी सिमिलर, भाई बेस वेरिएंट लेंगे तो भी सिमिलर आएगा, कोई डिफरेंस इंजन के अंदर है नहीं, जो जो डिफरेंस है कॉस्मेटिक चेंजेस है, और कॉस्मेटिक चेंजेस तगड़ा वाला ही आएगा। दोनों में से किसी भी वेरिएंट को उठा लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। लेकिन मैं बोलूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर गाड़ी लेना है टॉप वेरिएंट की तरफ, अगर आप 8,30,000 स्पेंड कर पाएंगे तो मैं बोलूंगा और थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप 9,00,000 में ये गाड़ी लीजिए। इसके अंदर हर एक डिटेल्स आपको डेफिनेटली 70,000 एक्स्ट्रा पे करके इस गाड़ी को लेना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा, क्योंकि इसके अंदर हर एक डिटेल्स आ रहे हैं, क्योंकि टॉप वेरिएंट लगभग दोनों ही है, लेकिन इसको छोड़ के इसमें चले जाएंगे तो ज्यादा फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलिए वीडियो यहां तक कंक्लूड कर देते हैं, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।